लाइव मॉक टेस्ट लिया है आप लोगों ने, वो रिकॉर्ड किया है और मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। ट्रैफिक शुड यूज द फार राइट लेन, अगर आपकी गाड़ी धीरे चल रही है या धीरे चलाना चाहते हो आप फार राइट लेन पे होते हो। और नॉलेज टेस्ट में आपको बता दूँ 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 में से 25 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने, यानी कि 83% आपको नंबर लाने हैं और मिनिमम एज इसको लेने की है 14 ईयर्स और इस टेस्ट को लेने के लिए लगता है $17। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है तुषार और मैं बनाता हूँ इस चैनल पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट लाइफ एंड लाइफस्टाइल इन कनाडा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा वो जो लाल रंग का बटन है उसको सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं हर वीक जब एक नई वीडियो लेके आऊँ आपको वो रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो यार देखिए, लास्ट टाइम जब मैंने एक ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर वीडियो बनाई थी कि अल्बर्टा में ड्राइविंग लाइसेंस 2024 में कैसे लिया जाए, उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि यार आप नॉलेज टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो मैं लेके आया हूँ एक डिटेल वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर करा है कैसे एक नॉलेज टेस्ट को पास करना है। तो मैंने बेसिकली लाइव मॉक टेस्ट लिया है आप लोगों ने, वो रिकॉर्ड किया है और मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। मैंने इस वीडियो के हर स्टेप पे, यानी कि मॉक टेस्ट लेते हुए, मैं जितने डिटेल्ड आपको स्टेप्स बता पा रहा हूँ, ट्रिक्स बता पा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होगा आप टेस्ट में जाएंगे आपको लगता है कि आपको आंसर आता है बट आप गलत कर देंगे, तो उसको कैसे स्क्रीन करना है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। यार वीडियो सही में बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपका नॉलेज टेस्ट आने वाला है या आप नॉलेज टेस्ट लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो सही में आपके लिए, वीडियो को एंड तक देखना। तो यार देखो, इस टेस्ट में बिकॉज ये प्रैक्टिस टेस्ट है, इसमें 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन में से मेरे को 20 करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं मॉक टेस्ट में पास होने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेयर यू कैन नॉट सी साइक्लिस्ट और अदर व्हीकल्स, बेसिकली इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अंडर अल्बर्टा लॉ, साइक्लिस्ट अंडर 18 इयर्स ऑफ एज मस्ट वेयर, उनको हेलमेट पहनना होता है। इसका मतलब है यार यू टर्न आप अलाउ नहीं है, तो यू टर्न पे देखो, यू टर्न्स आर नॉट परमिटेड। A vehicle ahead of you has flashing amber and red lights. तो यार अल्बर्टा में अगर ऐसे कोई आपकी गाड़ी आ गया तो वो एक स्नो प्लो है, तो इस पे क्लिक करते हैं। Which of the following statements about vehicle insurance is true? जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। Commercial vehicle must be insured with public liability. Liability insurance not mandatory in Alberta. Motor vehicles must be insured with a C option सही है। All motor vehicles must be insured with a public liability insurance policy. Under inflated tire may cause, भाई fuel economy कभी improve नहीं होती है। Decrease stopping distance, faster tire wear, all of the above. Faster tire wear जरूर होता है अगर आपके tire का जो pressure, air pressure वो कम है। अच्छा, when you see a train sounding a signal and approaching within 500 meters, भाई आपको क्या करना है? बेसिकली आपको गाड़ी नहीं पलटनी, यू टर्न नहीं लेना और क्रॉस नहीं करना, तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन है वो ये वाला है। ABS and vehicle assist drivers in performing, अगर आपको याद भी नहीं है ABS क्या है तो आपको बताया था, ब्रेकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ब्रेकिंग से रिलेटेड क्या है यहाँ पे? फ्लैट टायर नहीं है, इमरजेंसी लेफ्ट टर्न नहीं है, राइट टर्न नहीं है, स्टॉप, एमरजेंसी स्टॉप पे क्लिक करो। और ABS का फुल फॉर्म भी होता है एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, तो ऑब्वियसली जो भी चीज ब्रेकिंग के सराउंडिंग ऑप्शन है उस पर क्लिक करो और आगे बढ़ो। अ ब्रोकन येलो लाइन ऑन योर साइड ऑफ द रोड मींस दैट, अब देखो एक ब्रोकन व्हाइट लाइन होती है, एक ब्रोकन येलो लाइन होती है, एक सॉलिड येलो होती है, सॉलिड व्हाइट होती है, इनके मतलब आपको पता होने चाहिए। पर ब्रोकन येलो मैं आपको बता सकता हूँ इनमें से कौन सा है। You must make a left turn, इसका नहीं है। You may pass when your way is clear, ये बहुत close है। You may not pass, नहीं। You may pass whenever you wish, नहीं। You may pass when your way is clear, इसका आंसर ये है। Areas where the highway entrance and exit use the same lane are called, इसको कहते हैं weave zones. Be cautious of large vehicle braking. Be cautious of large vehicles backing because या होता क्या है ना कि जब लार्ज व्हीकल बैक करती है तो उनके जो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे होते हैं। तो अब हम जाते हैं, लार्ज व्हीकल डू नॉट हैव साइड मिरर्स होते हैं, लार्ज व्हीकल्स हैव लार्ज ब्लाइंड स्पॉट्स, तो जो टेंडेंसी है पीछे मुड़ के देखने की ब्लाइंड स्पॉट में वो बहुत डिक्रीज हो जाती है, इस पर क्लिक करते हैं।
When traveling in multi-lane highway, slower traffic should use the far right lane. अगर आपकी गाड़ी धीरे चल रही है या धीरे चलाना चाहते हो आप far right lane पे होते हो, और अगर आप fast जाना चाहते हो तो आप left lane पे होते हो, extreme left पे. अच्छा देखिए, इसमें ये basically क्या साइन है, इसमें ये बंदा खड़ा हुआ है और एक फ्लैग दिखा रहा है, तो आप अपनी स्पीड नहीं इंक्रीज करोगे, आप स्लो डाउन और स्टॉप इफ रिक्वायर्ड, यही सबसे क्लोज ऑप्शन लग रहा है. डिटोर नहीं लोगे, स्पीड अप एंड पास तो कभी भी मत करना, ठीक है? तो स्लो डाउन और स्टॉप इफ रिक्वायर्ड. इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रेवल पास द फर्स्ट एक्सिट ऑन अ टू लेन राउंड अबाउट और ट्रैफिक सर्कल, यू शुड. देखो क्या है, बेसिकली कह रहे हैं ग्राउंड अबाउट है, और राउंड अबाउट में बहुत सारे एग्जिट होते हैं, एक दो तीन चार मल्टीपल एग्जिट्स होते हैं. वो कह रहा है अगर आप पहला एग्जिट नहीं लेना चाहते हो और आप उसके आगे जाना चाहते हो दूसरा तीसरा, तो कौन सा आप लेन में घुसोगे? तो ऑब्वियसली अगर आप पहले एग्जिट पर निकलना चाहते हो तो दे दो लेन है, तो आप राइट लेन में रहोगे, बट अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप लेफ्ट लेन में रहोगे. When you have entered an acceleration before merging with highway traffic, you should not. When you have entered an acceleration lane before merging with highway traffic, you should not. भाई acceleration lane में बता देता हूँ क्या होता है, कि आपको अपनी गाड़ी की जो स्पीड है वो मैच करनी होती है हाईवे की पोस्टेड स्पीड लिमिट से. तो इसमें आप कह रहे हैं यू शुड नॉट, सिग्नल करना है, स्पीड इंक्रीज करनी है, मिरर्स में देखना है, पर कभी भी स्लो डाउन या गाड़ी नहीं रोकनी है. ये बहुत बड़ा हैजार्ड है, एक्सीडेंट हो सकता है. White or clear lights at the rear of a vehicle mean that, भाई इसका मतलब पार्क तो नहीं है ना, तो गाड़ी टर्न हो रही है ना व्हीकल स्टॉप हो रही है, इसका मतलब है गाड़ी रिवर्स कर रही है. A class 5 license holder may not drive except under supervision. तो मेरे को इसका आंसर याद है, और इसका आंसर है a vehicle with air brakes. तो अगर air brakes में है तो उनको supervision की जरूरत है. अच्छा, when a pedestrian has indicated his or her intention to cross the street, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, आपको गाड़ी स्लो डाउन करनी है और आपको गाड़ी स्टॉप भी करनी है, आपको चेक करना है कि जो पेडेस्ट्रियन है वो क्रॉस वॉक से निकल गया है, और उसके बाद ही आप आके लेके जा सकते हो. तो देखिए, प्रोसीड विद कॉशन नहीं, क्योंकि आपको रोकना है उसके लिए, उनका वे ऑफ राइट है. प्रोसीड बिकॉज यू हैव द वे राइट ऑफ वे, नहीं, उनका वे ऑफ राइट है. Stop before entering the crosswalk, जैसे मैंने आपको बताया, and allow the pedestrian to cross. तो इसका आंसर ये बेस्ट है. A driver who is 75 years of age or older must do which of the fall into renewal license. थोड़े फनी फनी ऑप्शन भी है. Submit a certificate of marriage, इससे क्या लेना देना, तो ये ऑटोमेटिकली आउट है. An air earnings report, भाई 75 ईयर्स के बंदे को अर्निंग रिपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस से कोई तो नहीं है, तो आपके दो ऑप्शन तो वैसे ही आउट हो गए. और प्रूफ ऑफ एज एंड अंडरगो अ विजन स्क्रीन, देखिए विजन स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट, बट प्रूफ ऑफ एज से क्या ही होगा आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी 75 ईयर्स पोल चुका है. मेडिकल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होगी कि यार वो मेडिकली फिट है ड्राइव करने के लिए, और उसने एक विजन स्क्रीनिंग क्लियर किया है. टू एग्जिट द हाईवे सेफली यू शुड. अब देखिए क्या होता है, हाईवे एग्जिट करने के भी तरीके होते हैं. कभी भी हाईवे पे आप स्लो डाउन नहीं करते हो. अगर आपको हाईवे एग्जिट करना है तो आपको हाईवे एग्जिट के लिए आप जो कि एग्जिट लेन है आपको सबसे पहले उसमें घुसना है. उससे पहले ऑब्वियसली घुसने से पहले आपको सबसे पहले सिग्नल करना है, और फिर सिग्नल करने के बाद आपको मूव करना है एग्जिट लेन में, और फिर जब आप एग्जिट लेन में चले जाओगे वहाँ पे एक पोस्टेड स्पीड लिमिट होती है कि आप 70 की स्पीड पे एग्जिट कर सकते हो, 80 की स्पीड पे. उसके बाद आप जब उस लेन पे आ जाओगे तब आप उस स्पीड लिमिट को मैच करोगे. तो अब देखते हैं क्या ऑप्शंस क्या हैं, कौन से नहीं हैं. तो ये स्लो डाउन और स्लो डाउन तो आप हटा दीजिए, ऑप्शन ये बिल्कुल नहीं है. पहला पढ़ते हैं, सिग्नल स्लो डाउन एंड मूव इन टू द डीएसेलरेशन लेन, या सिग्नल मूव इन टू द डीएसेलरेशन एंड स्लो डाउन. तो देखिए अगेन, सिग्नल के बाद स्लो डाउन नहीं करना है. सिग्नल मूव इन टू द डीसेलरेशन लेन एंड स्लो डाउन. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म स्पेस कुशन, या स्पेस कुशन का मतलब मेरे को जितना अंडरस्टैंडिंग है वो है स्पेस बिटवीन योर व्हीकल एंड द व्हीकल्स अहेड ऑफ यू, बिहाइंड यू एंड टू द आइदर साइड ऑफ टू यू. व्हाट इज द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर स्लोइंग और स्टॉपिंग. करेक्ट हैंड सिग्नल ये होता है
तो अपने विंडो के बाहर हाथ निकालोगे और अपना हाथ ऐसे नीचे करोगे, ये मेरा लेफ्ट हैंड अगर आपको दिख रहा है, और अगर राइट हैंड से मैं समझाना चाहूँ बट आपको यूज़ लेफ्ट हैंड ही करना होता है, तो ऐसे यानी कि लेफ्ट हैंड आउट ऑफ द विंडो एंड पॉइंटिंग डाउनवर्ड नीचे की तरफ। ऑन अ मल्टी लेन हाईवे स्लो ट्रैफिक शुड ट्रैवल इन, तो मल्टी लेन हाईवे मतलब अगर मैं बोलूँ तीन लेन है, तो जो सबसे राइट वाली लेन है उसमें जो स्लो ट्रैफिक जाता है, सबसे लेफ्ट वाली लेन है उसमें हाई स्पीड ट्रैफिक जाता है, तो हमें यहाँ पे करना है राइट मोस्ट लेन, स्लो ट्रैफिक शुड ट्रैवल इन राइट मोस्ट लेन। बिफोर एंटरिंग योर व्हीकल वॉक अराउंड इट टू चेक फॉर पेट्स चिल्ड्रन एडल्ट, सारे सही है। If you need to brake hard in emergency and your vehicle is equipped with anti-lock brakes, so answer apply steady firm pressure to the brake pedal. हाँ, मेरे तरफ से आज आप लोगों के लिए मेरा नॉलेज टेस्ट का एक मॉक प्रैक्टिस आप लोगों के लिए। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो मैंने नीचे लिंक में बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारी वेबसाइट्स आप लोगों के लिए लगा दी है कि क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट करो, मैं आपके सारे कमेंट्स पर रिप्लाई करता हूँ। और ऑल द बेस्ट फॉर योर नॉलेज टेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो और अपना लाइसेंस लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।